अमृत छकिया होया एक ऐसी सत जन्मां तक उन्हूं टुंबदा रहिंदा, वह फिर उठदा आ। जे अनगहली करता फिर उठदा, जे उठ उठ के पाई फिर वह अपने बोर नूं संभालदा है। उसे हिम्मत आ जाती है क्योंकि अमृत छकिया होंदा। अमृत जिन छकिया आ गुरु उहदा राखा बनदा आ, सत जन्मां तक बाह फड़दा आ। अमृत छके हुए ने भाई जोगा सी, भाई धन भाई जोगा वाहिगुरु, छोटा जिन्ना बच्चा आया सी गुरु साहब कोल संगत दा, गुरु साहब ते आके ते झोली च बह गया छोटा बच्चा। गुरु साहब ने बड़ा प्यार किया उन्हूं, और गुरु साहब कहिंदे तू कौन, की नां तेरा? कहिंदा महाराज जोगा। कहिंदे कीदा जोगा? महाराज गुरु जोगा। महाराज हसदे, अच्छा तू गुरु जोगा आ तो गुरु तेरे जोगा होएगा, तू गुरु जोगा आ तो गुरु तेरे जोगा। बड़ी सेवा कर ला पिया, बड़ा उगा सिख बनया भाई जोगा, बड़ा सेवादार सी। पर वाहिगुरु वाहिगुरु ए होमे डंग मार जांदी है, बड़ी उच्ची वर्षा तक ही मार जांदी है भाई। इस करके ते पहरा देना हुंदा, कई कई बड़े ऋषि मुनि औलिए उत्तों हेठा गिर जाते। भाई जोगे दे मां प्यो ने कहा कि महाराज जी की शादी करनी है। गुरु साहब कहते थोड़ी मर्जी पई, जोगा नहीं सी मनता पर गुरु साहब ने कहा जाओ भाई करो। भाई जोगे नाल लै गए पेशावर दे विच, तुसी सारी कहानी जानदे हो किस तरह डंग मार दी आ। होमे बचना है इस तो, असी दान पुन करने आ, सेवा करने आ, उदे विच वी होमे डंग मार जांदी आ, फल नहीं आ मिलदा उदा। फिर होमे होर वधदी आ, जदों कहिंदे मैं दे रहा मैं सेवा कीती आ, लोकी जकारे जुड़ जांदे ने, फलाना जिंदाबाद, फलाने ने यह कीता, फलाना सत श्री अकाल। सही तो माया तो हुंदी आ गुरु दी, वो निमाना नहीं बनता। जिहदे ते निमाना बन जाए, नहीं महाराज मेरा नहीं, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई ना ना जाने मेरा, फिर ते अगे चल पेगा। कोई विरले एहो जिहे हुंदे भाई जोगा जाके जिसले शादी होण लगी ते गुरु साहब ने भी पिछों एक सिख भेज दिता, ये प्रीख्या आ सानू दसनी सी। भाई जोगे नूं ते जो बख्शिश होनी सी होनी सी, भाई ये सानू दसे सिखो बचियो। भाई जोगा आके चला गया ब्याह कराउण दा, पिछों एक सिख भेज दिता लिख के कागज ते कि जदों दो लावां लै लैवे ना भाई जोगा, दो लावां रह जाण तां उहदे विच चिट्ठी दे दी, ते उहदी चिट्ठी च की है, तुरत हुणे ही चिट्ठी पढ़ के सारी तूं गुरु कोल आ जा, गुरु तैनूं याद करदा पिया, हुणे ही आ जा। बड़ी भारी प्रीख्या सी पई। भाई जोगा जाके व्याह हो गया, आनंद कार शुरू हो गए, ते जिसले आनंद कार्ज होने शुरू होए ने, लामा शुरू होइया ने, पहली लाम पड़ी गई, जकारा गजाया गया, दूसरी लाम पड़ी गई, जकारा गजाया गया, जिसे तीसरी लाम ही देती गुरु साहब। भाई जोगा ने बैठे बैठे सामने दरबार साहब चिट्ठी पढ़ी, तो हुणे ही आ जा, सब कुछ छड़ के आ जा। देखो इन्ना त्यागी विरागी, उसने उस वेले लावां छड़तियां, दो लावां लईयां, पहली लावां दो लईयां लै लईयां, बस हुण हो गया जो कार्ज, हुण तीसरी लाम गुरु साहब कोल जाके गुरु साहब बुला रहे ने। सारिया ने कहा की फर्क पैंदा, दस मिनट लगने ने, पांच मिनट लगने, कहते नहीं इस वेले एक मिनट भी नहीं। हुक्म यह कि दो लावां तो बाद चिट्ठी मिल गई, हुण मैं जाना है, मैं दो लावां नहीं लैनिया, दो लावां नहीं लईया, और लैके तुर पिया चिट्ठी। बड़ा आनंद भाई महाराज ने बख्शिश की थी। रस्ते च जाते जाते उदना सवार हो गया, हौमे आ गई, बड़ी डंग मार दी है, मन तो बचना चाहिए। कहना मेरे वर्गा भी कोई सिख होएगा त्यागी विरागी जेड़ा दो लावां छड़ के जा सकता है? दो लावां तो रहनी सी अज तक। उसने अपने मन च सोचने लग पिया
अज तक एहो जी मिसाल कोई नहीं हुई कि जेड़ा सिख दो लावां छड़ के गुरु को चल जाए। सारे रिश्तेदारां नाराज करके, सारे रिश्तेदारां एक पासे, गुरु एक पासे, कोई अज तक सिख की मिसाल नहीं हुई। ये अपने दे कर रहे हैं अंदर होमे दे पट्ठे पै रहे ने उहदे मन नूं, कहिंदा इह ते बहुत वड्डी गल होई है, मैं दो लावां छड़ के आ गया। पर ज्यों 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 अंदर यह हौमे वधदी गई, ज्यों ज्यों यह करता रहा कि मैं बहुत वड्डा सिख बन गया गुरु साहब का, गुरु साहब पता नहीं मैनू की देणगे की करनगे, उस वेले मन ढहनियां गलां चला गई। हुशियारपुर आके हौमे इन्नी वधी के मन, जदों हौमे वधदी आ गुरु नालों लिव छुड़की दी आ, उस वेले काम करो लो मोहकार उस काबू पाने। हुशियारपुर आके काम प्रबल हो गया, काम प्रबल होके उथे विश्वा का केंद्र भी आया सी। रात नूं विश्वा दे कोल गया काम कामी बन के, अगे की देखते ने एक सिख पहरा दे रहा, उहनूं घूर के कहना सिखा तू गुरु का सिख है किधर आया। उस वेले नस गया तां जे पछाण ना लवे तो मैं बुजोगा आया। फिर सोचा दो घंटे बाद सौ जाएगा, दो घंटे बाद फिर आया, फिर वह सिख पहरा दे रहा, फिर उसने पूरा तेन शर्म नहीं आती तो गुरु का सिख मूह से गुरु की मोहर ला के तू फिर वेशवा के द्वारे घूमता फिरना चला गया नठ गया। तीसरी राती रात में आया तो उसने कहा सिखा तेन शर्म आनी चाहिए, झूड़िया शर्म नहीं आती तू गुरु का अमर छकिया होया, गुरु कलगिया वाले तू सिख है तो तू यह कम करते हुए वेशवा के द्वारे घूमता फिर लान पिया तेन ऐसी लान दपाई, उन्हें शर्म ऐसी आई पानी पानी हो गया चला गया। बस उस दिन तो उसकी कड़ी टुट गई, हाँ मैं मर गई, अहंकार ने हाँ लगा सी काम, काम ने उसकी कड़ी तोड़ दी, जेड़ा वह बहुत वड्डा अंदर लैके हौमे बैठा हो। मेरे वर्गा कभी ने क्या की तेरे वर्गा आ तू काम के पिछे ते वेशवा के पिछे घूम रहा, एक पास ते गुरु के बचन मान के आया, दूसरे पास वेशवा के पता लैने आया। कह लगा ऐ आ मन सच्चे पातशाह बख्श नहीं, अंधला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहता क्यों कर बूढ़ा पावे। फिर बेनतियां वजह कर लगते सचे पातशाह बंदर माने, ये बंदर मन टिकन नहीं दिंदा सचे पातशाह। फिर बेनतियां च लग गया, गरीबी आ गई, होश आ गई, जिले ठोकर बजी। फिर अगले दिन फिर आनंदपुर साहब गया, नीवी झाउण पाई हुई, जानदा सी गुरु साहब जानते। फिर गुरु साहब ने बुलाया, अरे सिखा तू साड़ी यही परीक्षा लैनी सी कि वेश्वर के द्वारे सानू चौकीदार बना के खड़ा करना सी। प्रेमिया तू अमृत छकिया होया सी, साडे कोल अमृत छकिया होया सी, सानू लाज रखनी पैनी सी, असी तेरे अमृत नू भंग नहीं होन दिता, तेरे अमृत नूं कामयाब करन वास्ते गुरु नाल जोड़न वास्ते असीं पहरेदार बने। सारी रात गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पहरेदार बने अपने सिख दे उन्हों बचाण वास्ते। गुरमुखो संत अकत जी महाराज जिदो करदे सी ना तपस्या करदे सी, नाम बाणी सिमरन करदे, समाधि कनोई दी धरती ते कईयां ने देखिया आकाश दे विच पंज शरीर घोड़िया ते सवार होए गुरु संत अकत सिंह महाराज दे इर्द गिर्द पहरा दे रहे ने। आकाश पंज शरीर ऐन शस्त्र बस्त्र पहने, जिमीदारां देखिया रह नहीं सके। अगले दिन जाके संत अकत सिंह जी नूं महाराज ने दस्या कि महाराज तुहाडा ते पहरा गुरु गोबिंद सिंह जी पहरेदार ने, वह पहरा करते ने। महाराज दे अखां च अंजू आए, कहते ना साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो गुरु गोबिंद सिंह जी सन, उन्होंने वर्गा कोई होना नहीं ना होगा। हां उन्होंने अलाही फौजा
शीर भौजा ओला ही फौजा अपने सिख की जरूर रखिया कर दे पहरा देंगे। हर एक सिख ने जिसने अमृत छकया है उसके इर्द गिर्द पहरा है, अलाही पहरा है, अलाही पहरा है। जे वह माड़ा संजी महाराज कहते हैं जे वह माड़ा काम करता उन्होंने सजा देंगे। कई दफा देखिया ना, देखो जी अमृत छकया बाणी पढ़ने को बड़ी सजा मिल रही है, और सजा इस करके मिल रही है माड़े काम ना करे। या दूसरा आदमी अपना काम खराब कर रहा है, पाप कट्ठे हो रहे हैं, उन्होंने कट्ठी सजा मिलनी है। यह गुरमुख नाल नाल सजा मिल रही है, नाल नाल नबेड़ा हो रहा। जेड़ा अमृत छकया उसका नाल ही सफाई हो रही है। जो रत्ती पार उन्हें कसूर किया उन्होंने उत्थे ही सजा मिल जानी, ता जे अगला खर्च ना बजा रहे, वह भार ना चढ़े, कट्ठा ना वह दरकों च जाए। और इस करके वह महाराज कहते भी ये नाल पहरा जेड़ा उन्हें सजा भी दिंदा ते नाल उदी रखिया भी करता है, पूरी रखिया करता है पहरा जिसने अमृत छकया। अलाही ताकत नाल रखिया कर, जे वह अमृत छक के गुरु के कदमों से चले, गुरु के हुक्म से चले, तो सवेरे अमृत वेले उठे, दसवंध कढ़े अमृत वेले उठे, इशनान करे, वाहिगुरु का जाप करे, नितनेम करे, फिर चलद फिर वाहिगुरु का जाप करे, दान की किरत करे, उसका पैरा उसके इर्द गिर्द राखी करता है। और अति बार उसनू कोई एहोजी हो सजा भी दिंदा, नाल नाल किसरा निबड़ जाता। गुरमुख जेडे महापुरश होंगे ने जेडे नाम बन जाते उन्होंने नाल ही निबड़ साथ ही लाते, ये शरीर के उत्ते ही निबड़ना। एक थोड़ी जी साथ ही पाई आप करके भोग पाने। कहते बाबा बुढ़ा जी का दरबार लग्या होया सी अमृतसर, उत्थे एक चोर चोरी करके आया। उसने चोरी दे विच्चों सवा रुपए दे लड्डू जड़े ने वह बाबा जी के अगे मत्था टेक दिते दीवान दे विच। चोरी वाले लड्डू जड़े ने सारी संगत च वरताए गए ते बाबा जी ने भी थोड़े जे देते। चोरी वाला माल शाम नूं जिहदे की होया बाबा जी दे दस्त लग गए, मोशन आ गए, टट्टियां लग गई, अज तक नहीं थी हुई। सारे सेवक कह महाराज थोड़े तो अज तक टट्टियां लगियां नहीं। महाराज कहते बाबा जी ने नाल ही नबेड़ दिता, नाल ही नबेड़ दिता। कहते कह महाराज की नाल नबेड़ा? कहते वह चोरी का माल लिया सवा रुपए के लड्डू, तो तुम सानू भी प्रसाद दिता सी, वह प्रसाद चोरी का इस शरीर के कढ दिता, एन निर्मल शरीर हो गया, टट्टियां लग गई। बाकी जी होर संगत थी उन्होंने नहीं लगिया, उन्होंने अजय जमा से उन्होंने गांह काम बाणी जपदा वह नबेड़ा हों करमां का नाल नाल सफाई होंगी जाती है। नवा नवरा संसार धो के जाता सही जेड़ा भी नाम बाणी जपदा। तो यह है कि जिन अमृत छकिया है उसका गुरु हाथ फड़ता भाई जोगे वांगू, और इर्द गिर्द अर्शी पहरा हों, पहरा उन्होंने बचाता भी आ, उसकी सेवा भी करता है, उसनू मारे पासों भी बचाता, उसकी रक्षा भी करता है भाई। इस करके अस अमृत छकिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। राम कली मलाती आनंद क्यों कार, सतगुर आनंद प्या मेरी माए, सतगुर मैं पाया सतगुर ता पाया सह, सेती मन वजिया बता, राग रतन परवार बनिया शब्द सामनिया, शब्दो तगा वो हरी के रमन। श्री वाहिगुरु जी सो को कल गुरु दर्शन बसिए, गुरु के जन्म मरण दुख जा। वाहिगुरु जी तना श्री महला पंजवा दीन दर्द निवार ठाकर, राखे जन की आप करण तारन हर नित दुख न सके व्याप। दीन दर्द निवार ठाकर, राखे जन की आप करण तारन हर नित दुख न सके व्याप। साधु संग भजो गोपाल,
आन संयम किछ न सूझे, ए जतन काट कल काल रहो। आदि अंत दयाल पूरन, किस बिना नहीं कोए। जन्म मरने वार हर जब सिमर स्वामी सोए। वेद सिमरत कथे सास और करे विचार, मुक्त पाए साध संगत दिन जाए अंधार। चरण कमल आधार जन का रात पूंजी एक, तान मान दीवान साचा नानकी प्रत्येक। चरण कमल आधार जन का रात पूंजी एक, तान मान दीवान साचा नानकी प्रत्येक। वाहिगुरु जी का सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रचंड भगवती सिमर के गुरु नानक लेके आए से अमर गुरु ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोविंद सिमरन श्री हर आए श्री हर कृष्ण ते आइए जन जिथे सब दसाए। तेग बहादुर सिमरिया का नाम जावे ताए सथाई होए सहाय दसवें पास। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पंथ दिवाली अमर दे दाते सब थाई होए सा। दसा पास ने शब्द स्वरूप कथ चौर दे मालिक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पास दर्शन दी दार दा ध्यान कर। बोलो जी पंजा प्यारिया चौं सा जारिया चाली मुक्या जपियां तपियां जना तेरा नाम जपया बन छकिया देख चलाई ते बाई करम सोपनी। बंद बंद कटवाए आया ना सीचा जेगा चवाल गए चरख नी चढ़े टुकड़े टुकड़े करवा बच्चा झोलियों विच पाया। सिखी सिद्ध केसा सवासा संघ नवाया देख के अंडट कीता गुरद्वारे साहब वाली कुरबानी कीते धर्म नहीं हारिया। तेना समूह ही सिंह सिंह दी संता पलता की कमाई का ध्यान कर। बोलो जी तख्ता सरबत गुरद्वारा विच नाम बाणी संबंध का ध्यान कर। बोलो जी सच्चे पातशाह जिस करके आपने मनुखा जन्म बख्शिया अपनी चहल सेवा नाम दिपा के सरला करना काम क्रोध लोभ अहंकार तुम जाना अंग संसार। सच्चे पातशाह आप जी ने बड़ी बख्शिश की अपने बच्चों के सिर त्या आपने अलाही निशान साहब झुलाए। सच्चे पातशाह इसे तरह निशान साहब झुलते रह। सच्चे पातशाह सिखा दे मेहर पर हथ रखो नाम बख्शो चढ़दियां कलां च रखो आदियां बरादियां पादियां तो बचार के रखना दिन बोलियां सब कुछ जानदा सिखा के पीछे राजियो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।